स्वागत है आप सभी का स्टॉक शो में। इसका नाम है लिटिल वॉइस। इसमें छोटी सी साख की प्यारी सी आवाज और उस आवाज में है बड़े बड़े सवाल। तो आइए रायगढ़ जिले के एसपी संतोष कुमार जी से। मैं सांगे तिवारी DW के स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं करूँगी वो सवाल और वो डेंगे सोच के जवाब। तो ये है मेरा पहला सवाल। अंकल, आपके आसपास बहुत सारे पुलिस वाले, क्या आपको डर लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल पुलिस वालों से डर नहीं लगता और किसी को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि पुलिस लोग लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। जब उनको कोई भी समस्या होती है ना, तो वो पुलिस वाले जो अंकल लोग रहते हैं वो मदद करते हैं। और यहाँ तो सारे पुलिस वाले अंकल लोग जो है मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं। तो उनको कुछ भी बोलना रहता है तो मैं उनको बोलता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता और किसी को नहीं लगना चाहिए। आपको लगता है? नहीं। हाँ, गुड। अंकल, आप अपने अपराधियों को मार के पकड़ते हो या फिर प्यास के अपने डांटते भी हो? हाँ, कभी कभी डांटना पड़ता है, लेकिन जनरली प्यार से ही पकड़ते हैं। कभी कभी डांटना पड़ता है। लेकिन अंकल, हम लोग के स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी है, जैसे कि पेंट, ड्राइंग, आर्ट। मुझे एक्टिविटी बहुत पसंद है। आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है? मुझे दो चीज बहुत पसंद है। एक तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो जो अलग से जो पढ़ते हैं ना किताब, जो आपका कोर्स नहीं होता है उसके अलावा जो किताब होते हैं, वो मुझे बहुत पढ़ना पसंद है। दूसरा, मुझे फिल्म देखना पसंद है। मैं घर पे जब रहता हूँ ना तो फिल्म बहुत देखता हूँ और अच्छे अच्छे सीरियल देखता हूँ। उससे जो बहुत सारे सीरियल आते हैं ना, डिस्कवरी वाला भी आता है जिसपे बहुत सारे हम लोग सीखते हैं, हिस्ट्री का भी चैनल आता है वो भी सीखते हैं, और कार्टून वाला चैनल भी देखते हैं। अंकल, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम बच्चे आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, बताइए ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये आप कर सकते हो कि बहुत सारा चीज रहता है जो सभी लोगों को मानना रहता है, तो आपके मम्मी पापा अंकल लोग को हम लोग समझाते हैं, वो लोग मानते नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप रोड पे जाओ, सड़क पे जाओ, तो ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। नहीं मानते लोग। तो ये चीज जो है आप बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को बता सकते हो कि पुलिस वाले अंकल जो जो चीज बताते हैं वो चीज आपको मानना है, इससे बहुत सहायता होगी। दूसरा, आपको भी कभी कोई दिक्कत हो तो आप पुलिस वाले अंकल को फोन करके बता सकते हो, उससे हम लोग आपकी मदद करेंगे। अंकल, मैं भी बहुत शरारत करती हूँ, क्या आप भी अपने बचपन में शरारत करते थे? बहुत शरारत करता था, हर कोई बचपन में बहुत शरारत करता है, मैं भी बहुत करता था। मैं तो, मेरे एक टीचर ना बहुत मुझे परेशान करते थे, तो एक बार उनका ना हम लोग उनके पैर में रस्सी बांध के उनको गिरा दिए थे। सोच रहा हूँ कैसे शरारत करते थे हम लोग, वो बहुत परेशान करते थे। तो हम लोगों ने ना, कई सारे दोस्तों ने प्लान किया, आज ये सो रहे हैं इनको पैर में रस्सी बांधते हैं, जब ये भागेंगे उठेंगे तो गिर जाएंगे। वैसा ही हुआ और हम लोग खूब हंसे, लेकिन उसके बाद हमारी पिटाई भी बहुत हुई। हमको तो डांट ही पड़ती है। हाँ, लेकिन डांट पड़ना भी चाहिए ना, अगर आप गलत करोगे तो डांट भी पड़ेगा, तभी तो हम लोग सुधरते भी हैं। अंकल, आपके ड्रीम के बारे में बताइए ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप जानते हो कि मैं पुलिस में हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जितने सब जगह सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कहीं भी कोई बदमाशी करे ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर जगह सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सभी कानून मान रहे हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, और जो दिक्कत हो रही है उनको हम लोग पकड़ के उनको जेल में डालें, ताकि सब कुछ बढ़िया हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारा ड्रीम है जो कार्टून कैरेक्टर्स को आवाज देना। किसका? कार्टून कैरेक्टर्स को आवाज देना। हाँ हाँ, अच्छा, ओ कार्टून कैरेक्टर को आवाज देना। अरे वाह, आपको सबसे आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? डोरेमोन। तो डोरेमोन को आप तो आवाज भी निकालोगे, मुझे फिर बताओगे कैसे डोरेमोन आवाज निकालता है?
वो जो सुनियो की मामे अंगूठे उसका आवाज लर्न है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा बता दो आप। और सुनियो मेरा अगला बेटा। Really good. अंकल अंकल आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड मैगी है, लेकिन मम्मी हमको खाने नहीं देती। मम्मी खाने नहीं देती? मैगी तो मैं भी पसंद करता हूँ, कई बार मैं मैगी जो है नाश्ते में लेता हूँ, लेकिन कभी कभी क्योंकि मैदी मैं उसमें आटा वो जो मैदा होता है ना वो नुकसान करता है, तो कभी कभी खा सकते हैं। वैसे मुझे फेवरेट में मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। हम तो बस थोड़ी देर के ही खाते, बट कभी कभी। अंकल जिले के पुलिस वालों को 300 बार का सम्मान मिला है, सम्मान क्यों मिलता है? क्या ये इंडियन क्रम जैसा है? कई बार आप अच्छा काम करते हो तो आप देखते हो ना कि क्लास में अच्छा काम करते हो तो टीचर आपको शाबाशी देते हैं ना, ताकि आप और अच्छा काम करो। तो ऐसे ही कई सारे पुलिस वाले लोग जो है अच्छा काम करते हैं जिले में, तो उन लोगों को मैं भी उनको सम्मान देता हूँ, मैं भी पुरस्कार देता हूँ, और कई बार हमारे ऊपर भी बहुत सारे ऑफिसर लोग हैं तो वो लोग भी सम्मान देते हैं अच्छा काम के लिए। अंकल जब लॉकडाउन होता है तो पुलिस को दिन रात काम करना पड़ता है, क्या वो घर नहीं जाते तो कहाँ रहते हैं वो? लॉकडाउन में क्या होता है आप देखो, लॉकडाउन में क्या करते हैं, सबको घर में रहना पड़ता है, तो आप देखते हो कि सभी लोग, कई लोग तो मानते नहीं है, वो लोग घूमते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोगों को रोड पे रहना पड़ता है, तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते हैं हम लोग सड़क पे, कि देखते रहना कोई घर से निकले तो उनको बोलना कि फालतू नहीं घूमना है, घर में जाना है, तो ड्यूटी करते हैं। लेकिन ड्यूटी जो है ना उनका बदलते रहता है, कोई दिन में ड्यूटी करता है कोई रात में ड्यूटी करता है, तो जो दिन में ड्यूटी कर लिया रात को वो घर चला जाता है, जो रात में ड्यूटी करता है वो दिन में घर जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता है, कम घर जाना पड़ता है। अंकल मेरी मम्मी कहती है गलत काम करने पर पुलिस पकड़ के ले जाती है, पहले मुझे डर लगता था, लेकिन आज आपसे बात करके पता चला कि पुलिस हमारी सहायता करती है। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छी है। थैंक यू, आप भी बहुत क्यूट हो, और आपके क्वेश्चन कई बार तो मैं सोच रहा था कि कैसे जवाब दूं, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अंकल चलते चलते कौर बार जब मच्चे आपको अपने DWPS को बुलाएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे, आप बुलाओ हम जरूर आएंगे।